तो आप सबका वेलकम है इंस्पेक्ट डेली में। ये है 300 बेस्ट क्वेश्चन जून पार्ट टू। ठीक है, तो हम वीडियो चालू करते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ट सोर्स हैं, इसमें कोई टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि 90% क्वेश्चंस ये मतलब इंपॉर्टेंट हैं इनमें। ठीक है, तो वीडियो हम चालू करते हैं। पहले हम देखते हैं कौन कौन से फेमस कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड ओशन डे। ओशन डे ये कब मनाया गया? ये 8 जून को मनाया गया, और इस बार इसका थीम था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे, वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे ये 9 जून को मनाया गया, और इस वर्ष का थीम था अक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG। अक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलप गोल, ये 9 जून को मनाया गया। और एक्रेडिटेशन मतलब होता है किसी चीज़ को ऑफिशियली तरीके से करना, ऑफिशियली मतलब जो पेपर वर्क वगैरह नॉर्मली बिल्कुल वैसे स्टैंडर्ड तरीके से करना, उसको अक्रेडिटेशन कहते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को मनाया गया, इस वर्ष का थीम था एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, एक्ट नाउ और एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये 13 जून को मनाया गया, इस वर्ष का थीम था स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। और एल्बिनिज्म एक जेनेटिक डिजीज होती है, इसमें बेसिकली जो स्किन होती है, हेयर्स होती है, आई शेड्स होती हैं, ये सारी व्हाइट हो जाती हैं, व्हाइट रहती हैं, मतलब कोई इनमें कलर नहीं रहता। जो कलर होता है एक पिगमेंट रहता है, उसका नाम आप देख लीजिए मेलानिन करके है। ठीक है, मेलानिन करके उस पिगमेंट का नाम है। और बेसिकली इस अगर ये पिगमेंट की प्रेजेंस नहीं होती है इनमें, तो इसकी वजह से ये ब्राइट लाइट में भी जाते हैं, तो इनको एलर्जीज वगैरह होती है, स्किन कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, आंखें इनकी कमजोर रहती है, तो ये डिजीज। और इसका क्योर नहीं है, सबसे मेन चीज़ है इसका अब तक वर्ल्ड में कोई क्योर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये मनाया गया जून 14 को, और इस वर्ष का थीम था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये कुछ ऑब्लिचरीज हैं जो जून के सेकेंड वीक में हुई। सबसे पहले लक्ष्मी नंदन बोरा, ये लिटरेचर आसाम की वो हैं ये। ठीक है, आसामीज लैंग्वेज वगैरह लिखने की। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह ये महावीर चक्र मिला था इनको, ये वर्ल्ड वॉर 2 में वेटरन है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जो ये गैलेंट्री सपोर्ट रहती है, ये जो वॉर टाइम रहती है उसमें सबसे टॉप पर है PVC, परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र, ये वॉर टाइम की बात होती है। ठीक है, फिर अब आती है पीस पे, पीस टाइम की जो बात है, सबसे ऊपर होता है अशोक चक्र, अशोक चक्र, फिर होता है हमारा कीर्ति चक्र। ठीक है, याद रखिएगा कीर्ति चक्र, और फिर होता है हमारा शौर्य चक्र। तो ये सारे इक्विवेलेंट ही हैं, बस वो पीस में और ये वॉर टाइम में मिलता है। ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट है ओलंपियन सूरत सिंह माथुर, इनकी भी डेथ हो गई। ये मैराथन रनर थे, इन्होंने 1952 जो हेलसिंकी में ओलंपिक्स हुए थे वहां पे इन्होंने मैराथन करी थी, और ये 52 आए थे उस टाइम पे, 52 रैंक थी इनकी उस टाइम पे। ठीक है, याद रखिएगा, और 2 बार के नेशनल चैंपियन रहे हैं। राधा मोहन ये एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिला था। सदी लिंगन इनको दलिता कवि भी कहते हैं, क्योंकि दलित के ऊपर ज़्यादा कवि पोइट वगैरह बनाते थे ये, तो कन्नड़ के पोइट रहे हैं ये। नेशनल अवार्ड विनिंग बुद्धादेव दासगुप्ता, ये बंगाली फिल्म मेकर हैं। ठीक है, अब हम अपने नॉर्मल MCQ फॉर्मेट में देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है जो यूरोपियन यूनियन और बिल गेट्स ये इन्होंने प्लान करा है कि ये कितना पैसा लगाएंगे लो कार्बन टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए, रोल आउट द लो कार्बन टेक्नोलॉजीज के लिए कितना पैसा लगाएंगे? लगाएंगे $1 बिलियन, $1 बिलियन। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मेगा प्रोजेक्ट जो कि डोमेस्टिकली बनेगा उसको अप्रूवल दे दिया इंडियन नेवी के लिए। क्या उस प्राइस प्राइस क्या उसका उसका प्राइस है ये आपका 43 करोड़, 43,000 करोड़। तो क्या बनाने की बात करी है? कन्वेंशन सबमरीन्स। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने परमिशन दे दी है विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट के लिए, किस कौन से स्टेट को? स्टेट का नाम है गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात। पार्लियामेंट कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट है जिसने एक प्लान को अप्रूव कर दिया है एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के लिए, और उसका नाम रखेंगे लय नेथे होम, लय नेथे होम नेथे होम, और जो कि 35,000 लोगों को रखने के लिए होगा, ये करा है डेनमार्क में, ऑप्शन डी ऑप्शन बी डेनमार्क। फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया ने 2 दिन का ऑनलाइन फेस्टिवल मनाया था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में, क्या नाम रखा? तो क्या था टाइटल का उस फेस्टिवल का? उसका था ओसिस ऑफ होप, ओसिस ऑफ होप। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अप्रूव कर दिया है कि अप्रूव करा है परफॉर्मेंस ग्रेटिंग इंडेक्स के लिए, जो कि यूनाइटेड टेरिटरीज और उसको दिया, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने अप्रूव करा है? वो करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसके मिनिस्टर कौन है? इसका मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन
कौन सी जो गवर्नमेंट है उसने एडवांस पेमेंट कर दिया 1500 करोड़ की, ठीक है, किस किस चीज़ के लिए? 30 करोड़ डोजेस के लिए। कौन सी वैक्सीन? उस वैक्सीन का नाम है कोर्बेवैक्स। वैक्सीन का क्या नाम है? कोर्बेवैक्स। और ये कौन बना रही है? ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड बनाएगी, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड बनाएगी। ये शायद अपने थर्ड ट्रायल्स पे है, तो गवर्नमेंट ने इसकी एडवांस पेमेंट कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट है, और कौन सी कंट्री है जिसने एक इक्वल एसेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट, ईगल करके एक्ट पास करा है, इंट्रोड्यूस करा है, उसने यू करा है, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट। इंडियन नेवी की एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, उसका नाम है आईएनएस चक्रा। आईएनएस चक्रा थोड़ा न्यूज में थी ये इसलिए। तो ये हमने किससे लीज पे ली थी, किससे? वो थी रशिया, ठीक है, ऑप्शन बी रशिया। कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने रिसीव कर दिया एक पेटेंट ब्लैक पेपर माइक्रोन्यूट्रिएंट फोलियर फॉर्मुलेशन के लिए? ब्लैक पेपर, काली मिर्च, माइक्रोन्यूट्रिएंट फोलियर फॉर्मुलेशन के लिए, वो मिला है ऑप्शन ए को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका है कोझिकोड केरला, कोझिकोड केरला में। आईएलओ इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन से ने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट बताया है 2022 में क्या रहेगा, वो रहेगा 5.7, 5.7। एक एक्सप्रेस पेल शिप शिप थी जो कि डूब गई है, कहाँ पर? पोर्ट ऑफ कोलंबो के आसपास ये सेंक हो गई है। तो कौन सी कंट्री की थी? ये थी सिंगापुर की, ऑप्शन सी सिंगापुर, याद रखिएगा, एक्सप्रेस पर्ल शिप। कौन को ये द लवर बॉय ऑफ बहलवारपुर, बहलवारपुर, द लवर बॉय ऑफ बहलवारपुर, ये किताब किसने लिखी है? ले लिखी है राहुल पंडिता ने, राहुल पंडिता। किसने डिसाइड करा है, कौन सी डिकेड को ये डिक्लेयर किया गया है यूएन ने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए? वो गए 2021-30, 2021 से लेकर 2030 तक को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर कर दिया है। सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करा है कोडिंग 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। तो कौन से करिकुलम से? 8 और 4 किसके लिए? 8 और 12 के करिकुलम के लिए, ठीक है। तो कौन से, किसके हेल्प के थ्रू? ये माइक्रोसॉफ्ट के हेल्प के थ्रू करेंगे। कौन सी स्टेट है जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से जूझ रही है, जिस जहाँ पर कितने हैं 4,650 पिग्स जो होते हैं या और पिगलेट्स, उनकी डेथ हो गई है 2 महीने के अंदर था। तो कहाँ हुआ है ये? ये हुआ है मिजोरम में, याद रखिएगा, मिजोरम में। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में है, उसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, चिप ऑफ टेक्नोलॉजी, किस चीज़ के लिए? वो है टू रिट्रीव इनक्रिप्टेड डाटा। इनक्रिप्टेड डाटा देखिए ये रहता है, अगर आप व्हाट्सएप खोलेंगे और वहाँ कोई नई चैट दिखेंगे तो आपको एक वहाँ पे एक ताला चाबी से दिखेगा आपको सबसे टॉप में, इसका मतलब इनक्रिप्टेड है ये, कि ना कोई सेकंड कोई थर्ड पर्सन नहीं पढ़ सकता उसको, जो आप जिसको मैसेज सेंड कर रहे हैं वही पढ़ पाएगा और आप पढ़ पाएंगे, कोई थर्ड पर्सन नहीं पढ़ पाएगा, तो उसी को इनक्रिप्टेड डाटा कहते हैं। कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च कराया टेक सोलर प्रोग्राम लॉ स्टूडेंट्स के लिए? वो करा है फेसबुक ने, फेसबुक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, किस चीज के लिए? 6 पेट्रोल केमिकल प्रोजेक्ट के लिए। कहां पर बनाएगी ये बनाएगी वडोदरा में, वडोदरा, ऑप्शन डी वडोदरा। कौन सी ने चार्ज ले लिया है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का, कहां के लिए? नेशनल कम्योडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल कम्योडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, एनसीडेक्स। और इसका नाम है अरुण रास्ते, अरुण रास्ते, ठीक है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अरुण रास्ते। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेजिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया, किसको नया प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया है एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया? उनका नाम है, आप फोटो में देख सकते हैं, उनका नाम है के महेश्वरी, ऑप्शन बी के महेश्वरी। कौन सी कंट्री है जो अपना नेवल शिप बनाएगी जो कि फुल्ली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगा? वो बनाएगी रशिया। देखिए स्टेल्थ मतलब होता है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा, जैसे ये उसका शेप ही थोड़ा ऐसा टाइप का रहेगा, अलग टाइप का, कि जो रेडियो वेव्स होंगी जो फेंकी जाएंगी ऐसे करके वो साइड से निकल जाएंगी, मतलब रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगी, तो जो रिसेप्टर रहेगा वो पढ़ नहीं पाएगा, तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी बल्कि पास ऑन कर देगी, उसको कहते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म रिलीज करी जिसका टाइटल है छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी राज अभिषेक दिवस, शिवाजी राज्य अभिषेक दिवस, ये करा है गोवा ने, ऑप्शन डी। कौन सी स्टेट है जिसने एक प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम लॉन्च करी है? प्राण वायु देवता, ये करी है हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने। नीति आयोग और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने
साथ मिलके एक लॉन्च करा एक चीज जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। अभियान का नाम क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये करा है पिरामल फाउंडेशन के साथ, ऑप्शन डी पिरामल फाउंडेशन के साथ। ठीक है, याद रखेगा। ये कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसने टॉप करा है अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स के लिए? अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स के लिए टॉप करा है मध्य प्रदेश ने। सबसे वर्स्ट कौन है? सबसे वर्स्ट है नागालैंड, याद रखिएगा, सबसे वर्स्ट नागालैंड है। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे बेस्ट करा है किसने? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ने। और सबसे वर्स्ट किसने करा है? न्यू दिल्ली ने। ठीक है, याद रखिएगा। रिसेंटली हाल ही में 1 लाख वेब लिंक्स जो होती हैं उनको रिमूव कर दिया है ग्लोबल क्रैकडाउन ऑन इलीगल मेडिकल ट्रेड। जो इलीगल मेडिकल ट्रेड होती है उसको रिमूव कर दिया है, कौन से ऑपरेशन के तहत? उस ऑपरेशन का नाम है ऑप्शन सी ऑपरेशन पंगिया 14, ऑपरेशन पंगिया 14। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप करा है किसके लिए? हायर एजुकेशन किसमें? एशिया यूनिवर्सिटी, एशिया यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसने हायर एजुकेशन पे टॉप करा? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप किसने करा है? ये करा है ऑप्शन ए तिसिंगवा यूनिवर्सिटी, ये बीजिंग में है, बीजिंग चाइना। क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कार टी क्रिमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, एक थेरेपी अभी ग्लोबली कंडक्ट हुई है। ये थेरेपी जो है ये लास्ट स्टेज के लिए थोड़ा अच्छा माना गई है, कौन सी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए? याद रखिएगा कार टी, ये कैंसर के लिए, ऑप्शन डी ऑप्शन सी कैंसर। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इंडिया कितना कैपेसिटी का विंड एनर्जी इंस्टॉल करेगी 2021 से 25 तक का? ये करेगी 20 GW, 20 GW। हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के प्रेजिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? उनका नाम है हुसैन अल मुस्लम, हुसैन अल मुस्लम, ये कुवैत के हैं। 8th इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड हुई थी? ये हुई थी जर्मनी में, ऑप्शन डी जर्मनी, कैपिटल है बर्लिन। अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद ये नए प्रेजिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट हुए हैं, ये यूएन जनरल असेंबली के नए प्रेजिडेंट इलेक्ट हुए हैं अब्दुल्ला शाहिद। तो ये कहाँ के हैं? ये है मालदीव्स के, और ये बेसिकली मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर है, याद रखिएगा। ये मालदीव्स क्या है? ये मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर है। कौन सी इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स हैं? उन्होंने एक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने की टेक्निक डेवलप करी है, डिस्कवर करी है, किसके थ्रू? कार्बन नैनोट्यूब्स के थ्रू, ये करी है एमआईटी, एमआईटी बी ऑप्शन बी एमआईटी यूनिवर्सिटी। कौन सी विलेज है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में जेएंडके के, जो कि पहली विलेज बन गई है जिसने पूरे अपने एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है? ये है वियान, वियान 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 विलेज। कौन सी कंट्री इलेक्ट हुई है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2 साल के लिए? ये हुई है इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है $500 मिलियन प्रोग्राम के लिए बूस्ट करने के लिए इंडिया के किस सेक्टर को? वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के लिए। कौन सी अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है जिसको बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड मिला है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए? नेशनल अवार्ड मिला है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में, ये है ऑप्शन ए वाटर ब्यूरियल, वाटर ब्यूरियल। और इसके वो डायरेक्टर कौन है? शांतनु दास, शांतनु दास इसके डायरेक्टर है, वाटर ब्यूरियल मूवी है। कौन नए चेयरमैन बनेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के? इनका नाम है संजीव नंदन सहाय, संजीव नंदन सहाय। और कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करेगी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S वर्ल्ड कप? ये करेगी ओमान, ओमान। और ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसको उसने टॉप करा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में स्कूल एजुकेशन के लिए? करा है पंजाब गवर्नमेंट ने, ऑप्शन डी पंजाब गवर्नमेंट। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस गेन कर लिया है? वो है कैंपागौड़ा बेंगलुरु एयरपोर्ट, कैंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नीति आयोग ने कौन से 2 बैंक को रिकमेंड करा है जिनका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा? तो वो बैंक है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, तो बोथ ए एंड बी, सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, इनका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। इंडियन नेवी ने 3 इंडिजीनियस जो मतलब बने हैं घर यहीं इंडिया में, उनको लाइट कॉम्बैट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है ALH Mk3, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mk3। और किसने बनाया ये हाल ने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, और ये मैं बता दूँ ये कहाँ पर होने वाले हैं,
ये आपके होंगे INS देगा। INS देगा कहाँ है? ये वाइजैक में, याद रखिएगा INS देगा वाइजैक में है। कौन सी कंट्री है जिसने 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर दिए हैं यूएसए ने, याद रखिएगा यूएसए। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रायमो रिजर्व फॉरेस्ट को छठा नेशनल पार्क बना दिया है, ये बना दिया आसाम गवर्नमेंट ने, ऑप्शन ए आसाम गवर्नमेंट। एनुअल सर्वे वर्ल्ड के हिसाब से जो दुनिया की सबसे ज्यादा रहने वाली सिटी है उस सिटी का नाम क्या है, उसका सिटी है ऑकलैंड। ऑकलैंड कहाँ है? ये है चाइना में। यूनियन मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट ने किसको नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया है, उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन बी। दो स्पीसीज मिली है मोनल्स की, ठीक है, ये कौन से स्टेट में मिली है? ये अरुणाचल प्रदेश में मिली है। बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश साइड में, उत्तराखंड साइड में, नेपाल साइड में पाई जाती हैं, और इनको डाफे करके कहा जाता है, डाफे, डाफे बर्ड। तो ये अब अरुणाचल प्रदेश में इनकी दो अलग स्पीशीज मिली है, आप देख सकते हैं फोटो में यहाँ पे। इंटरपोल ने एक पोर्टल लॉन्च करा है, डाटाबेस टाइप लॉन्च करा है, जो कि हेल्प करेगा आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन, जो भी लोग खोए हुए लगते हैं ग्लोबली। क्या नाम रखा है उसका? उसका ने करा आई फेमिलिया, आई फेमिलिया। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका है लियोन फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखिएगा। आरबीआई ने एनओडी दे दिया है किसके रीअपॉइंटमेंट के लिए, सी एस घोष को, कौन से एमडी और सीईओ के बैंक के लिए? यह है बंधन बैंक, ऑप्शन ए बंधन बैंक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अनाउंस करा है ऑक्सी वन बनाने का। ये कहाँ पर बनाएंगे ऑक्सी वन? ये बनाएंगे करनाल में, ठीक है, याद रखिएगा, ये करनाल में बनाएंगे, जिसमें 13 तरीके के अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट रखेंगे ये, ताकि ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़े, प्रोटेक्शन वगैरह, ग्रीनरी वगैरह बढ़े उसके लिए। गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने सेटअप करेगी कंट्री का सबसे पहला इंटरनेशनल मेरीटाइम सर्विस क्लस्टर, कहाँ पर करेगी ये करेगी गिफ्ट सिटी। और गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गुजरात इंटरनेशनल टेक फाइनेंस टेक सिटी। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है ये? ये आती है अहमदाबाद में। कौन सी इंडियन एक्ट्रेस है जो इन्होंने टॉप करा है द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन, आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, ऑप्शन सी। यूएनएससी रिकमेंड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किसको, किसका रिकमेंड करा है सेकेंड टर्म यूएन चीफ के लिए? अभी करंट चीफ कौन है? उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, और ये सेकेंड दूसरी बार इनका टर्म रिपीट होगा। और ये कहाँ के हैं? ये पोर्चुगल के, पोर्चुगल के हैं। ये बाफ्ता टीवी अवार्ड्स हैं, बाफ्ता जो ब्रिटिश टेलीविजन अवार्ड्स होते हैं वो, तो उनमें लीडिंग एक्ट्रेस किसको मिला है? वो मिला है माइकल कोयल को। कौन सी मूवी के लिए? आई एम रजिस्टर यू के लिए। लीडिंग एक्टर कौन है? पॉल मेस्कल, पॉल मेस्कल, नॉर्मल पीपल मूवी के लिए। ड्रामा सीरीज कौन सी है? सेव मी टू, सेव मी टू ड्रामा सीरीज है। बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस के लिए चार्ली कूपर और एमिलो वुड को मिला है, चार्ली कूपर और एमिलो वुड को। बेस्ट कॉमेडी सीरीज इनसाइड नंबर 9। ओरिजिनल म्यूजिक कौन सा है? हैरी एस्कॉट रोड किल। और स्पोर्ट्स के लिए इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट, आपको ये दोनों याद रखने हैं, इंडियन क्रिकेट और सॉरी लीडिंग क्रिकेट एक्ट्रेस और लीडिंग एक्टर। इंडिया और कौन सी कंट्री ने 31st कॉर्पेट पेट्रोल्स या कॉर्पेट नाम का एक अपना मैरिटाइम लिंक्स का एक्सरसाइज करा है? ये करा है थाईलैंड ने, ठीक है, थाईलैंड, ऑप्शन ऑप्शन डी थाईलैंड। यूनियन कैबिनेट ने एलोकेट कितना करा है मेगाहर्ट्ज, कितना मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम एलोकेट करा है इंडियन रेलवेज को? ये करा है 5 मेगाहर्ट्ज का, ऑप्शन ए 5 मेगाहर्ट्ज। कौन सी कंट्री ने एक बिल पास करा है किस चीज के लिए? चाइना का जो टेक थ्रेट था उसके लिए, यह करा है यूएसए ने, ऑप्शन बी यूएसए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्ट करेगी वैक्सीन नेगोशिएशन, वैक्सीन सप्लाई नेगोशिएशन कोविड-19? ये करेगी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कौन सी IIT ने डेवलप करी अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी? ये करी है IIT खड़गपुर ने, IIT खड़गपुर। इसरो किस कहाँ के एरिया को असिस्ट करेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए? ये करेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को। बेसिकली जो सेटेलाइट मैप्स होंगे, तो मैपिंग वगैरह हो गई, या फिर जहाँ पे एरिया बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इसरो वहाँ उस फील्ड में हेल्प करेगी। कौन सी कंट्री है जो जिसने पहली कंट्री बन गई है जो बिटकॉइन का ऐसे लीगल टेंडर अडॉप्ट करेगी? ये है एल सेल्वाडोर, और एल सेल्वाडोर के कैपिटल क्या है? सैन सेल्वाडोर, याद रखिएगा, एल सेल्वाडोर के कैपिटल है सैन सेल्वाडोर, और करेंसी है अमेरिकन डॉलर। कौन से फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने एक कोचिंग वेबसाइट लॉन्च करी है, इसका नाम है किरी गुरु, किरी गुरु। बेसिकली इसमें क्या होगा, बहुत सारे जो कोचेस कोचिंग होंगे पूरे वर्ल्ड की, जैसे आप लगा लीजिए ब्रेवो हो गए,
और बहुत सारे जैसे एबी डिविलियर्स हो गए, तो बहुत सारे क्रिस गेल तो नहीं, बाकी बहुत सारे ब्रेन लारा हो गए, तो ये सब बच्चों को सिखाएंगे, कैसे कैसे टेक्निक्स बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो ये वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च करा है। वीरेंद्र सहवाग ने कौन मैच रेफरी बनेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के, ये बनेंगे क्रिस ब्रॉड। क्रिस ब्रॉड ये इंग्लैंड के हैं, और ये किसके फादर हैं, ये स्टुअर्ट ब्रॉड के फादर हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड वही जिनकी बॉल पे युवराज सिंह ने 6 6 बॉल पे 6 6 मारे थे, ठीक है। और फील्ड एम्पायर्स का क्या नाम है, उनका नाम है रिचर्ड इलिंगवर्थ और माइकल गफ। माइकल गफ और रिचर्ड इलिंगवर्थ फील्ड एम्पायर्स, और मैच रेफरी हैं क्रिस ब्रॉड। सुनील छेत्री ने किसका रिकॉर्ड सरप्रेस करके अब वो सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल्ड स्कोर बन गए हैं, गोल्स बन गए हैं, उनका नाम है सॉरी वो 74 गोल के साथ, तो इन्होंने मेसी का रिकॉर्ड वो कर दिया है, सरप्लस कर दिया है। और सबसे हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किसने कर रहे हैं, उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके पास 103 उन्होंने इंटरनेशनल गोल कर रखे हैं, ठीक है। किसको कौन वो पर्सन है जिनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है डिप्टी गवर्नर गेट एज अ डेप्यूटी आरबीआई डिप्टी गवर्नर, उनका नाम है महेश कुमार जैन, ऑप्शन ए महेश कुमार जैन। सेंटन ने एलआईसी के चेयरमैन का जो टर्न है वो मार्च 2000 तक बढ़ा दिया है, मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है, क्या नाम है उनका, उनका नाम है एम आर कुमार, एम आर कुमार। फेसबुक ने किसको अपना ग्रेमी सॉफ्टवेयर चूज करा है, उनका नाम है स्फूर्ति प्रिया, ठीक है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस बीच में हो गया था कि फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह सब बंद हो जाएगी, तो क्योंकि उन्होंने ग्रीवेंस ऑफिसर और इंडिया के आईटी रूल्स नहीं अडॉप्ट किए थे। व्हाट्सएप का कौन है ग्रीवेंस ऑफिसर, वो है परेश बीपाल, और एक कू ऐप है जो सेम ट्विटर की तरह है, उसका करा है राहुल सत्याकम, ट्विटर के सॉरी कू के ग्रीवेंस ऑफिसर है, याद रखिएगा राहुल सत्याकम कू के। कौन सी इंडिया की लीडिंग और डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप है जो आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बन गया 2023 तक, आप यहाँ देख सकते हैं, उसका नाम है भारत पे, ऑप्शन सी भारत पे। कौन सी स्टेट है जिसको जिसने 7th नेशनल अपना पार्क बना दिया है, किसके साथ, देहिंग पटकई के साथ, देहिंग पटकई, उस स्टेट का नाम क्या है, उस स्टेट का नाम है असम। और वो सात कौन कौन से हैं, पहला है काजीरंगा, दूसरा है मानस, तीसरा है नामेरी, याद रखिएगा काजीरंगा मानस नामेरी तीसरा है, चौथा है औरंग, औरंग चौथा है, पांचवा है पांचवा कौन सा है, दिब्रू साइखोवा, दिब्रू साइखोवा ये पांचवा है, और रायमोरा छठा, अभी अभी दिखाया, अभी थोड़ी देर पहले इसका डिस्कस हुआ था, रायमोरा छठा है, और सातवां कौन सा है, देहिंग पटकई। किसने पेन प्रिंटर प्राइज जीता है 2021 के लिए, उनका नाम है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए टिसिस्ती डंगेरिम्बा, टिसिट्सी डंगरेम्बा द रिंग डंगेरिम्बा, ठीक है सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। और ये कहाँ की हैं, ये जिम्बाब्वे की हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2022 के लिए, सो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन की, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है ये रैंक हुई है 177, और उसके बाद आईआईटी दिल्ली 185, फिर आईआईएससी बेंगलुरु ये 186। और ये इम्पोर्टेंट है, जो आईआईएससी बेंगलुरु है वो पहली वो वर्ल्ड की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने परफेक्ट स्कोर, मतलब इंडिया की तरफ से परफेक्ट स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मिला है इसको, रिसर्च यूनिवर्सिटी, तो वर्ल्ड की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी है आईआईएससी बेंगलुरु, याद रखिएगा। और टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी, और इसने 10 साल से ये टॉप पे ही है, और एमआईटी वही है जो अभी जिसने नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, तो ये वही यूनिवर्सिटी है। कौन सी कंपनी है जो सबसे बड़ा अंडरसी केबल बनाएगी, ये करेगी गूगल, ऑप्शन ए गूगल। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे ये 10 जून को ऑब्जर्व किया था, किस कौन सी रेलवे जिसने इसके ऊपर कैंपेन वगैरह बनाई थी, अवेयरनेस वगैरह फैलाई थी, वो करी थी साउथर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे ने। बेसिकली जो आप ये लेवल होता है जिसको हम फाटक कहते हैं हिंदी में, तो लोग क्रॉस वगैरह कर देते हैं पहले से, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हर साल होते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, तो उसके अवेयरनेस के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। कौन सी कंट्री ने अनाउंस कर दिया 5 मिलियन वैक्सीन पुअर देशों के लिए, मतलब गरीब देशों को बांटने के लिए, ये करा है यूएसए ने, ठीक है याद रखिए ऑप्शन डी यूएसए। इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना बड़ा है, ये बड़ा है 17.31 3 4%, 17.34% ये बड़ा है। और जो ऑर्गेनिक वो है, मैं बता दूं आपको, ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट वो कितना बड़ा है, वो 51% बढ़ा है, 51% ऑर्गेनिक फार्म परसेंट बढ़ा है, ठीक है याद रखिएगा। कौन से पर्सन है जो पार्टिसिपेट करेंगे आउटरीच सेशन ऑफ यूके लेड G7 वर्चुअल समिट, कहाँ हो रहा है ये, कॉर्नवेल में, इनका नाम है नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। G7 याद रखिएगा, G7 और वेन्यू क्या है, कॉर्नवेल
यूके। मई में सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल हुई थी, कितने साल बाद रिकॉर्ड टूटा है ये टूटा 121 साल बाद, 121 साल बाद। डिंको सिंह ये मणिपुर बेस्ड गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर थे, तो ये रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने गोल्ड कौन से उसमें जीता था, एशियन गेम्स में इन्होंने जीता था 1998 के उसमें, और ये कहाँ हुई थी, ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, याद रखिएगा ये थाईलैंड में हुई थी। इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 1998 में ही, और इसी साल इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, और 2013 में इनको पद्मश्री मिला था। फ्रेंच डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप थेल्स, थेल्स ने अपना वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया अपॉइंट कर दिया है, क्या नाम है उनका, उनका नाम है ऑप्शन बी आशीष सराफ, यहाँ फोटो में देख सकते हैं आशीष सराफ, ठीक है। किनको एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड मिला है, इनको ये मिला है आर एस सोधी को, आर एस सोधी ऑफ इंडिया। और आर एस सोधी कौन है, ये है एमडी ऑफ अमूल, अमूल के एमडी हैं, याद रखिएगा अमूल के एमडी। और अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ है, अमूल का हेडक्वार्टर है गुजरात में, आनंद गुजरात में, ठीक है। और 1946 में वो हुई थी, मतलब एस्टेब्लिश हुई थी अमूल। कौन सी इंडिया के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं जो लीड करेंगे यूएन ब्यूरोक्रेसी में 1 साल के लिए, उनका नाम है ऑप्शन बी के नागराज नायडू, के नागराज नायडू। हु हैज बीन अपॉइंट एज वुमेन एसोसिएशन फर्स्ट चेयर वुमेन, इनका नाम है डेबी हैबिट, ये इंग्लैंड की है, डेबिया हैबिट। कौन सी कंट्री ने टॉप करा है बेटकॉइन इन्वेस्टिंग गेम्स में, ये करा है यूएसए ने, याद रखिएगा यूएसए ने टॉप करा है, नंबर 1 पे यूएसए, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है जापान, और फोर्थ पे है यूनाइटेड किंगडम। तो आपको शुरुआत के दो याद रखने हैं, यूएसए और चाइना। कौन सी इंडियन एक्ट्रेस हैं जिनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में, इनका नाम है तिलोतामा शोमे, तिलोतामा शोमे। और ये कहाँ की हैं, ये वेस्ट बंगाल की हैं, ठीक है। मूवी क्या है, राहगीर, राहगीर मूवी के लिए इनको मिला, राहगीर द वे फेरीज, राहगीर द वे फेरीज करके। किसको कौन ने किन्होंने चार्ज ले लिया है डीजी ऑफ नेवल ऑपरेशंस का, इनका नाम है ऑप्शन बी वाइस एडमिरल राजेश पेंदेकर, राजेश पेंदेकर। किन्होंने प्रेजिडेंट इलेक्शन जीत लिया है मंगोलिया का, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इनका नाम है उखना कुलरे कुलरेशुक, उखना कुलरेशुक। और ये फॉर्मर प्रेजिडेंट है मंगोलिया के, ये फॉर्मर प्रेजिडेंट पहले थे मंगोलिया के, और अब ये क्या बन चुके हैं, ये प्रेजिडेंट का चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी सिटी है जो होस्ट करेगी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4, ये करेगी पटियाला। बेसिकली इसमें उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो ओलंपिक्स में नहीं जा पाए हैं, तो एक लास्ट चांस दिया जाएगा उनको जिसके थ्रू वो क्वालिफाइड हो सके ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। कौन सा बैंक इसने टॉप्स करा है फोर्ब्स का वर्ल्ड बेस्ट बैंक, इस बैंक का नाम है डीबीएस बैंक, और इसको हाल ही में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। पहला मिला है बेस्ट बैंक इन वर्ल्ड और सेफेस्ट बैंक इन एशिया, ये किसने दिया है, ग्लोबल फाइनेंस नेता 2020 के लिए, और इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 के लिए, ये मिला है एशिया मनी के थ्रू। ऑल इंडिया सर्वे के हिसाब से जो 2019-20 की रिपोर्ट है वो यूएन मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दिया है, इसके हिसाब से पिछले 5 साल में स्टूडेंट का एनरोलमेंट कितना बढ़ा है, मतलब बच्चे पढ़ाई में कितना आए हैं हायर एजुकेशन में, तो ये 11.4% बढ़ा है, 11.4% बढ़ा है। कौन इलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स काउंसिल के लिए, इनका नाम है नागराज अडिगा, ऑप्शन सी नागराज अडिगा, और ये इंडिया के हैं। कौन सी स्टेट है जिन्होंने एक एक्शन प्लान लॉन्च कराया है किसके लिए, हेरिटेज ट्रीज को बचाने के लिए, तो वो करा है महाराष्ट्र ने, जो भी 50 साल से ऊपर पेड़ होंगे उनको बचाएंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। कौन सी कंट्रीज हैं जो इलेक्ट हुई हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, तो कौन कौन उनका नाम देखते हैं, ऑप्शन तो ऑप्शन ए अल्बेनिया, ये भी हुआ है, ऑप्शन बी ब्राजील, ये भी है, ऑप्शन सी गैबोन, ये भी है, और ऑप्शन डी घाना, ये भी है, ये 4 हुए हैं, और साथ में एक और हुआ है, क्या नाम है उसका, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, याद रखिए। इंडिया और कौन सी कंट्री है जिन्होंने मिलकर एक एमओयू साइन करा है डोमेस्टिक वर्क रिक्रूटमेंट के लिए, ये करा है कुवैत के साथ, डोमेस्टिक वर्क रिक्रूटमेंट के लिए कुवैत के साथ हमने एमओयू साइन करा है। कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करा है किसके लिए, मेडिसिन फ्रॉम स्काई, मतलब ड्रोन्स के थ्रू मेडिसिन विलेज तक पहुंचाना, रूरल एरियाज तक पहुंचाना, तो ये करा है फ्लिपकार्ट ने, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट ने पार्टनर करा है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्होंने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करे हैं, कहाँ पर सेटअप करे हैं, ये इन्होंने करे हैं न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा ये इन्होंने न्यू दिल्ली में सेट करे हैं। और पहला है COERSA, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, ठीक है, रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड्स ब्रिजेस एयरफील्ड्स और टनल्स के लिए, ये न्यू दिल्ली में, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। यूएन जनरल असेंबली ने
किसका नॉमिनेशन अप्रूव कर दिया है किस चीज के लिए? हेड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए, यूएन सिटेट की उसके लिए हेड के लिए किसको अपॉइंट करा है? ऑप्शन ए रेबिका ग्रेसपैन। ठीक है, ये कहाँ की है रेबिका ग्रेसपैन? ये इकोनॉमिस्ट है, कहाँ की? कोस्टारिका की। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक प्रोब लॉन्च करा है, इसका नाम है एन विजन करके, कौन सी प्लैनेट की स्टडी के लिए? वीनस की। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वीनस। इंडिया ने किसके साथ टाइज करा है? टाइज विद विच कंट्री हैज फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर? तो ये रशिया के साथ है। याद रखिएगा, हमारे पास अभी 605 बिलियन डॉलर्स फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, और जो चाइना हमसे थोड़ा सा ज़्यादा रशिया के पास है, और सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? वो है चाइना के पास, टॉप पे है चाइना, वो है उसके पास है 3330 3330 बिलियन डॉलर, बहुत ह्यूज अमाउंट है। इसी हेल्प के थ्रू ये बाकी जितने भी जैसे श्रीलंका हो गए, मालदीव्स हो गए, उन सबको ये लोन देता रहता है, डेब्ट ट्रैप में फंसाता रहता है, ठीक है, इसी के थ्रू। तो बेसिकली ये फॉरेन रिजर्व क्या होता है? ये जितनी भी फॉरेन करेंसीज होती है आरबीआई के पास, फॉरेन बॉन्ड्स हो गए, सोना हो गया, तो ये सब का जो सम रहेगा तो वो इतना माना जाएगा फॉरेक्स रिजर्व। तो हम भी किसी को लोन देने में या फिर खुद भी यूज कर सकते हैं, अपना ही पैसा है ये। और एक एक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गोल्ड होल्डिंग्स किसके, कौन सी कंट्री के पास है? मतलब सबसे ज्यादा गोल्ड होल्डिंग्स किसके पास है? वो है यूएसए के पास। यूएसए, देखिए, यूएसए पेपर करेंसी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, यूएसए पेपर करेंसी में बिलीव नहीं करता, इसलिए वो सोना इकट्ठा करता है, इसलिए उसके पास सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड होल्डिंग्स है। किसने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड लिखी है अमर्त्य सेन ने, अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। बेसिकली ये इसमें लिखते हैं कि कैसे ये रविंद्रनाथ टैगोर से मिले, उन्होंने इनका नाम अमर्त्य रखा, तो इनकी एक मेमोरी के हिसाब से ये, ठीक है, मतलब मेमोरी जो भी पुरानी मेमोरी है उसके ऊपर लिखी है। कौन सा बैंक है जिसने एक लॉन्च करा है, प्रोग्राम लॉन्च करा है, घर घर राशन प्रोग्राम, घर घर राशन योजना से कंफ्यूज में? तो ये घर घर राशन योजना दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम थी जो कि अब बंद हो गई है। तो घर घर राशन प्रोग्राम, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, बेसिकली जो भी इसके एम्प्लॉयज होंगे वो लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, और जो कस्टमर होंगे, याद रखिएगा, एम्प्लॉयज इकट्ठा करेंगे पैसा, और जो कस्टमर जिनको नीडफुल होंगे उनको ये राशन पहुंचाएंगे घर घर तक। किसको, किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया है? और सॉरी, क्वेश्चन उल्टा हो गया, कौन अपॉइंट हुए हैं एज ए न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन, माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन? तो क्या नाम है उनको, नाम है अक्षय कुमार। देखिए, माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन वही कंपनी है जिसने कोविशेल्फ नाम का एक लॉन्च, कैसे बताऊं मैं आपको, ये जो होता है, जो घर पे हम टेस्ट करते हैं, रैपिड टेस्ट, सॉरी रैपिड टेस्ट होता है, जो होम बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो ये जिससे पता चल जाएगा घर पे बैठे बैठे कि हाँ हमको कोविड है कि नहीं, तो ये माई लैब डिस्कवरी ने, सोल्यूशन ने बनाया है, ठीक है। तो उसके एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। कौन सी कंट्री है जो 15 जून के बाद मास्क फ्री हो जाएगी? उस कंट्री का नाम है इसराइल। और यूएसए ने क्या बोला? यूएसए ने बोला जिन्होंने वैक्सीन लगा ली वो मास्क छोड़ सकते हैं। कौन सी आईटी के प्रोफेसर हैं जिनको एनएसजी अवार्ड मिला है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो अवार्ड का क्या नाम है? काउंटर एलईडी एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड, काउंटर एलईडी एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड। किस चीज के मिला है? ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट के लिए मिला है। आप यहाँ देख सकते हैं, ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट के लिए, तो ये मिला है शैलेश गोविंद गनपुले, शैलेश गोविंद गनपुले, ये कहाँ के? आईटी रुड़की। कौन सी इंडिया की क्या रैंक है कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में? इंडिया की रैंक है 67। देखिए, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, जैसे कि हो गया जापनीज सीखनी है, या फिर वेरी जितने भी दुनिया भर के कोर्स हैं, आपको यहाँ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप भी अगर करना है तो आपको इसमें कर सकते हैं, ठीक है, इसमें एनरोल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और बहुत अच्छी है ये। मैं भी इसकी हेल्प से कुछ अभी कुछ ना कुछ अपना मैकेनिकल करता रहता हूँ। कौन से प्लेयर है जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीत लिया है, और इनका ये इनका 19वां ग्रैंड स्लैम था, ये जीता है किसने? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बिया के प्लेयर है। और वुमेन्स में किसने जीता है? बारबोरा क्रेचिकोवा, बारबोरा क्रेचिकोवा ने वुमेन्स में जीता है, और ये कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की। तो ये थे हमारे जून के पार्ट 2, और इसमें सिर्फ 75 नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अप्रोक्स 100+ हैं इसमें, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। बाकी मैं पार्ट 3 भी लेके आता हूँ जल्दी, तो स्टे ट्यून्ड विद चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है।